नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अमृतपाल की गिरफ्तारी के बाद अब उसका बयान भी सामने आ गया। लगातार उससे जुड़ी नई नई अपडेट सामने आ रही है। क्या कुछ कहा अमृतपाल ने अपनी गिरफ्तारी के बाद, आइए आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। दरअसल भगोड़े अमृतपाल सिंह को पंजाब पुलिस ने मोगा से अरेस्ट किया। अमृतपाल को रोडे गाँव में एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले अमृतपाल गुरुद्वारे में प्रवचन दे रहा था। बताया जा रहा है कि वो यहां अपने समर्थकों की भीड़ के साथ सरेंडर करना चाहता था। अमृतपाल पर NSA के तहत मामले दर्ज है। बता दें कि अमृतपाल पिछले कई दिनों से फरार है। उसने अपने एक समर्थक की रिहाई के लिए 23 फरवरी को पंजाब के अजनाला थाने पर हमला किया था। 18 मार्च को पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी की थी, लेकिन वो तब से लगातार फरार चल रहा है। इस मामले को लेकर पंजाब पुलिस ने ट्वीट किया है। पंजाब पुलिस ने ट्वीट कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही ये भी कहा कि किसी तरह की फेक न्यूज शेयर ना करें। अब आपको बता देते हैं कि अमृतपाल का वो क्या बयान है जो उसकी गिरफ्तारी के बाद वायरल हो रहा है। बता दें कि अमृतपाल ने कहा, ये जरनैल सिंह भिंडरांवाले का जन्म स्थान है, उसी जगह पर हम अपना काम बढ़ा रहे हैं और अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक महीने से जो कुछ हो रहा है वो सब सभी ने देखा है। अगर सिर्फ गिरफ्तारी की बात होती तो गिरफ्तारी के बहुत तरीके थे, हम सहयोग करते। दुनिया की कचहरी में हम दोषी हो सकते हैं, सच्चे गुरु की कचहरी में नहीं। एक महीने बाद फैसला किया, इसी धरती पर लड़े हैं और लड़ेंगे। जो झूठे केस है उनका सामना करेंगे। गिरफ्तारी अंत नहीं, शुरुआत है। ये अमृतपाल का बयान है जो अमृतपाल ने गिरफ्तारी के बाद दिया है। इस पवित्र स्थान पे संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडराले का जन्म स्थान है। जिस स्थान तो मेरी दस्तारबंदी हुई तो आप कौम का कार्य आरंभिया, अज उस स्थान पर इस कौमी कार्य को चलद एक जीवन के बड़े अहम मोड़ से आप आन के खड़े हैं। पिछले एक महीने तो जो कुछ वापरिया है वो तुम सारा कुछ वेख्या, मैं दोहराना नहीं। थोड़े समय से संखेप से आप गल बेट देनी है। एक महीना पहला जो हुकूमत ने जबर सिखा से ढाया, उस जबर न जरा प्रतख इस करके हो गया। जे कल गिरफ्तारी की गल होंगी तो शायद गिरफ्तारी के बहुत तरीके से जिन्होंने मैं सहयोग भी करता, पर जो चेहरा हुकूमत का नंगा होना सी दुनिया भर के सामने होया। जो सिख नौजवानों से जबर ढाया गया, देखो सतगुरु सच्चे पातशाह की कचहरी के असी दोषी नहीं, दुनियावी कचहरी असी दोषी हो सकते हैं। सो एक महीने तो बाद अज फैसला किया भी इस धरती से लड़े हाँ, इस धरती से लड़ा, धरती छड़ के कितने नहीं जाते। सो इस करके जे झूठे केस साढ़े परचे पे ने इनका सामना असं अदालत कर लेंगे। तो संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करना है। देखो संगत दरदासां तो बिना ना तो एडे घेरिया चो निकल जाना संभव होता है, संगत दरदासां तो बिना ना तो इन्ना लम्मा समा जो रूप होश हो जाना संभव होता है। ये संगत दरदासां दे गुरु साहब की कृपा सदका सारा कुछ वापरिया। अज उस स्थान के उत्ते असी आप गिरफ्तारी देने का फैसला किया। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਦਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭੰਨਣਗੇ ਅਤੇ ਸੇਤੀ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਰੰਭਾਂਗੇ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ सतगुरु साहब सच्चे पातशाह। VK News राष्ट्र के नाम।